इस बारिश के मौसम में आलू की टिक्की का मज़ा और तंदूरी पनीर का टेस्ट अगर एक साथ मिले और उसके साथ एक प्याली चाय, तो मूड जम जाता है बॉस। तो चलिए देख लेते हैं आज का क्या लफड़ा है इस आलू की टिक्की और तंदूरी पनीर का। बना लेते हैं तंदूरी पनीर आलू टिक्की। हेलो दोस्तों, सॉल्ट एंड टर्मरिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। हमने कुछ उबले हुए आलू लिए हैं और उसको हमने ठंडा करने के लिए रख दिया था, और अभी उसको हम मैश कर लेंगे उसका छिलका निकाल के। देखिए बहुत अच्छे से मैश करना है, अगर आपको चाहिए तो आप ग्रेट करके फिर मैश कर सकते हैं। उसके साथ मैं कॉर्नफ्लोर डालूंगी और राइस फ्लोर डालूंगी। मैं दो दो स्पून डाल रही हूँ, और नमक, बस और कुछ नहीं चाहिए। इसको आप अच्छे से हाथ से मिला के एक डो बना लीजिए और उसको रेस्ट करने रख दीजिए 10 मिनट के लिए। तब तक हम यहाँ पे कुछ और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं देख लेते हैं स्टफिंग बनाने के लिए। देखिए मैंने अदरक, हरी मिर्च, धनिए का पत्ता और कैबेज लिया हुआ है। तो धनिए का पत्ता से ज़्यादा मैंने उसका स्टेम लिया है, वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मैंने यहाँ पे पनीर को भुर्जी करके ले लिया है, और यहाँ पे मैंने चटनी का इंग्रेडिएंट्स लिया हुआ है, वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी ज़रूर। चलिए कुकिंग की तरफ बढ़ते हैं, हम अपना स्टफिंग है उसको बना लेते हैं। पहले मैंने तो ऑयल ले लिया है, आप कोई भी ऑयल डाल दीजिए। मैंने इसमें जीरा डाला है और हरी मिर्च और अदरक डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे बंदा गोभी डाल रही हूँ, यानी कि पत्ता गोभी, कैबेज। उसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी, और उसी तेल में मैं इसमें शुगर डाल दूँगी। उससे क्या होगा कि शुगर जब कैरमलाइज होगा तो उसका बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा। फिर मैं इसमें सूखे मसाले डाल दूँगी, जीरा, धनिया, लाल मिर्च और हल्दी। फिर हम इसमें पानी डाल देंगे और मसाले को भून लेंगे अच्छे से। तो मसाला जब भून जाएगा हम अपना पनीर इसमें डाल देंगे। आप पनीर को ग्रेट भी कर सकते हैं, मैंने इसको इसी तरह से हाथ से क्रश कर लिया। और नमक तो डालना ही है, वो आपको पता है। हम इसको थोड़ी देर के लिए, जैसे हम पनीर भुर्जी बनाते हैं ना, उसी तरह से बनाएंगे। देखिए इसे थोड़ा बहुत पानी निकल आया है, हमें इसको बहुत ड्राई नहीं करना है, थोड़ा जूसी रखना है, जैसे मोमोज में बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा जूसी जूसी बनाना है। देखिए फिर हम इसमें, मैं यहाँ पे किचन किंग मसाला डाल रही हूँ और थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ। आप कोई एक भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत ज़्यादा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं अजीनामोटो डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, लेकिन आप ये अगर अजीनामोटो डालेंगे तो एकदम दुकान वाला, रेस्टोरेंट वाला स्वाद आएगा। और डार्क सोया सॉस मैंने डाला है, आपके पास लाइट डार्क कुछ भी हो, आप सोया सॉस थोड़ा बहुत डाल दीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बना हुआ है, आप ऐसे ही इसको अगर कभी रोटी के साथ भी खाना है तो आप खा सकते हैं, आप खा के देख सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। अभी देखिए ये धनिए का पत्ते का जो स्टेम है मैं उसमें डाल दूँगी। अभी मेरा गैस बिल्कुल ऑफ है, और इसको मैं मिला के ढक दूंगी। मैं बीच में थोड़ा बहुत जगह बना रही हूँ, मैं दिखाऊंगी आपको किस लिए। देखिए ये है सिनेमन स्टिक, दालचीनी, तो हम इसको फ्लेम में जलाएंगे इस तरह से, बहुत अच्छे से जलाएंगे। अच्छे से जल जाना चाहिए ताकि उसको जब हम बुझा देंगे तो इसका स्मोक अच्छे से निकले। मेरे पास कोयला नहीं है, चारकोल नहीं है, इसीलिए मैं इसी तरह से इसको तंदूरी स्मोकी टेस्ट देने वाली हूँ। तो मैं उसको दो तीन मिनट के लिए रख दूँगी, और मेरा जो तंदूरी पनीर भुर्जी वो रेडी हो गया। देखिए अभी हम टिक्की बनाना शुरू करेंगे। अभी हम जो आलू का डो लिया था उसी डो को हम इस तरह से हाथ में फैलाएँगे कि वो एक कटोरी का शेप ले ले। आपको ये बहुत केयरफुली करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई ग्लूटेन का कोई बाइंडिंग नहीं है। तो देखिए मैं किस तरह से सपोर्ट डाल डाल के इसको कवर कर रही हूँ। देखिए
आपको दोनों तरफ से दोनों हाथ को एकदम कप फॉर्म में बना के उसको सपोर्ट डाल डाल के प्रेस करना पड़ेगा इस तरह से, और हाथ का इस ये जो पोजीशन प्लेस है ना उसको प्लेस करना पड़ेगा टिक्की के ऊपर, और थंब से साइड्स में प्रेस करना पड़ेगा ताकि वो कोई भी तरफ से फट ना जाए या क्रैक ना हो जाए और अच्छे से ये शेप ले ले। देखिए इस तरह से बनाना है, और कोई भी क्रैक्स आपको दिखे तो आप उसको जोड़ दीजिएगा अच्छे से, जितना कम क्रैक्स रहेगा उतना अच्छा है। इस तरह से हमने चार बना लेंगे। तो देखिए मैं और एक दिखा रही हूँ, स्टफिंग डाल दीजिए अच्छे से और उसके ऊपर और एक थोड़ा सा लेयर डालिए, उसको मर्ज कर दीजिए और दोनों हाथ से सपोर्ट डाल के एक टिक्की बना लीजिए। तो मैंने चार बना लिया है यहाँ पे, और इसको मैं 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी। तब तक हम चटपटी सी ग्रीन चटनी बना लेते हैं। देखिए ये जो धनिया का पत्ता है ना, वो पत्ता हमने चटनी के लिए रख दिया है, हरी मिर्च, अदरक डाल दिया है, और लेमन का जेस्ट मैं डालूँगी। वाइट वाला पोर्शन बिल्कुल ना डालें, सिर्फ येलो या ग्रीन वाला पोर्शन डालें। और मैंने यहाँ पे पूरा एक लेमन डाला हुआ है। यहाँ मैं रोस्टेड मूंगफली डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ और ब्लैक सॉल्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये टेस्ट ही बदल देता है, ब्लैक सॉल्ट और मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल ऑप्शनल है, वो आपकी मर्ज़ी है। हमारी चटनी रेडी, आप उसको एक पेस्ट बना लीजिए और चटनी रेडी हो जाएगी। अभी हम टिक्की को बना लेते हैं। इसमें बहुत कम तेल लगता है, ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है और फिलिंग भी है। आप इसको डिनर के लिए भी ले सकते हैं कुछ कुछ दिन। तो मैंने फ्राइंग पैन में तेल को अच्छे से हीट किया था, बहुत कम हीट नहीं किया था, क्योंकि हमारा यहाँ पे सब कुछ पका हुआ है, आलू भी पका हुआ है, सिर्फ उसमें हमने कॉर्नफ्लोर या राइस फ्लोर डाला था, उसको पकना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे हाई मीडियम फ्लेम रखा है, कभी हाई और कभी मीडियम करके मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये जो पास का जो पोर्शन है वो आपको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों साइड हम जब पकाएंगे ना उसका जो हीट होगा वो पक जाएगा, वो फ्राई नहीं होगा, वो थोड़ा सा अच्छे से बॉयल हो जाएगा अंदर से, वो कच्चा नहीं रहेगा एटलीस्ट। तो देखिए हमारी टिक्की बिल्कुल रेडी हो गई है। ये बहुत ही एक जल्दी बनने वाली टिक्की है और बहुत ही टेस्टी है। आप सैंडविच के बदले ये बहुत ज़्यादा हेल्दी वाला ग्लूटेन फ्री ये टिक्की खा सकते हैं, और इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर भी आता है तंदूरी पनीर का, बहुत मज़ेदार बना था। आप भी बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।